Hello guys, and welcome back to the next video of Little Scholars, where futurizing your own abilities. Friends, आज हम हमारा वीडियो नंबर 27 देख रहे हैं, right? Till now, अभी तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर तक एसेट्स की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, सब कुछ कर लिया था, प्लस हमारे टेस्ट सीरीज का पेपर नंबर 2 भी हम लोग कर चुके हैं, जो कि किसके ऊपर था? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के ऊपर था। अब जो नेक्स्ट पेपर आएगा विल बी योर नेक्स्ट सैटरडे मोस्ट प्रोबेबली इफ पॉसिबल राइट तो नेक्स्ट सैटरडे जो पेपर आएगा वो बेसिकली होगा किसके ऊपर हमारा एक और चैप्टर जो खत्म हो चुका है दैट इज लाइफ प्रोसेस एंड द नेक्स्ट वीडियो इज ऑन द सॉल्यूशन ऑफ लाइफ प्रोसेस गाइस एक चीज देयर इज सम प्रॉब्लम इन अपलोडिंग द वीडियो ऑफ टेस्ट सीरीज सेकेंड सॉल्यूशंस ठीक है तो उस चीज में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है आई थिंक उस चीज में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है जस्ट बिकॉज के वो वीडियो प्रिपेयर नहीं हो पा रही है सो फ्रेंड्स एज सून एज पॉसिबल माइट बी टिल फ्राइडे एंड सैटरडे आई एम गोइंग टू अपलोड दैट वीडियो ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ टेस्ट सीरीज सेकेंड बाकी वो पेपर आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के अंदर ऑलरेडी मिल चुका है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएगा आप उसको सॉल्व कीजिए आपके पास टाइम है यू हैव 4 to 5 days टू सॉल्व दैट क्वेश्चन पेपर उसके अंदर हर पॉसिबल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड्स के अंदर पूछे जा सकते हैं बेसिकली मैंने फोकस किया है न्यूमेरिकल्स के ऊपर क्योंकि वो ही ज्यादा आते हैं इस चैप्टर से सो आप लोगों को सैटरडे तक नेक्स्ट वीडियो मिलेगी टेस्ट सीरीज सेकेंड की अलॉन्ग विद द टेस्ट पेपर नंबर 3 ऑफ बायोलॉजी सेक्शन वो हम लोग करेंगे दैट इज लाइफ प्रोसेस उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लाइफ प्रोसेस का पेपर मिलेगा और टेस्ट सेकेंड इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो मिलेगी टिल नेक्स्ट देखिए अभी तक इतना पार्ट कर चुके थे मैंने कहा था कि लास्ट पोर्शन थोड़ा सा पार्ट बाकी है किसका एसिड्स का ठीक है राइट उसके बाद हम लोग बेसिस की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं राइट तो देखिए एक चीज पहली चीज कि ऐसा क्या है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो उस सॉल्यूशन को एसिड बना देता है जब हम उसको पानी के अंदर डालें तो मतलब कि पानी के अंदर किसी भी सॉल्यूशन को डिसॉल्व करने से वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन एसिड के अंदर टर्न हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है तो फिर ऐसा क्या जनरेट हुआ वही चीज हम लोगों को इस टॉपिक के अंदर पढ़नी है एंड दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ एसिड्स ठीक है रिलेटिंग हम लोग वीक एसिड्स पढ़ेंगे उससे और स्ट्रॉन्ग एसिड्स पढ़ेंगे ठीक है देखिए हमारा टॉपिक जो है जो अभी कवर करना है दैट इज व्हाट मेक्स अ सॉल्यूशन एन एसिड ऐसा क्या होता है एक सॉल्यूशन के अंदर जब पानी में डिसॉल्व करे और वो एसिड बन जाए ठीक है तो देखिए किसी भी सॉल्यूशन के अंदर पानी में डिसॉल्व करने के बाद और एक्वस सॉल्यूशन ठीक है जो ऑलरेडी वाटर कंटेन करता है अगर उसके अंदर H प्लस आयंस हैं देन इट इज एन एसिड अगर नहीं है तो एसिड नहीं होगा यानी कि मैं उस सॉल्यूशन को पानी में डिसॉल्व करूं वो टूटकर मुझे एच प्लस आयन दे दे कम दे या ज्यादा बाद की बात है कम दे या ज्यादा वो बाद की बात है फिलहाल के लिए इतना कि वो H प्लस आयन अगर दे देता है उस सॉल्यूशन के अंदर तो वो एसिड कहलाता है और अगर वो H प्लस आयन देने में कैपेबल नहीं है तो वो एसिड नहीं कहलाएगा ठीक है तो यानी कि द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन अ सॉल्यूशन मेक्स इट एसिडिक मेक्स इट्स नेचर एसिडिक एंड The presence of no H plus ion when dissolved in water makes that solution does not acidic. मतलब कि अगर H plus ion टूट गया पानी में डालने से acidic नहीं टूटा not acidic. ठीक है right? तो सिर्फ और सिर्फ सारी चीजें H plus ions पे डिपेंड करेंगी और इसी के बेसिस पे एक एसिड स्ट्रॉन्ग भी बनेगा और एक एसिड वीक भी बनेगा ठीक है देखिए इट इज द प्रेजेंस ऑफ एच प्लस आयन जितने ज्यादा एच प्लस आयन उतना ज्यादा एसिड है इन अ सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर मेक्स इट एन एसिड ठीक है एंड एसिड इज अ सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जो आयोनाइज होता है टूटता है
पानी के अंदर H plus ions बनाने के लिए, that is known as acid. For example, हम लोगों ने HCl का एक aqueous solution लिया, dissociate हुआ, ionize हुआ, H plus ion दिया और Cl minus ion दिया, ionizes. ठीक है? अब हम लोगों ने वीडियो नंबर 25 के अंदर देखा था, जब मैंने बेसिक्स अबाउट द एसिड बताया था कि देखो यार H plus ion है ना, वो ऐसे आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता अगर पानी के अंदर पड़ा, वो फटाफट वाटर के पोलर मॉलिक्यूल से जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा. और जैसे ही H plus ion वाटर के पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा, हम लोगों को क्या मिला, H3O plus ion, that is also known as hydronium ion. तो यानी कि पानी के अंदर एसिड H3O plus ion की फॉर्म में वहां पर रहता है. ठीक है, राइट. तो इसीलिए अगर हमें प्रॉब्लम नहीं हो इसलिए हम जनरली H plus ion बोलते हैं, अदरवाइज अगर आप पानी में देखेंगे तो हमें H3O plus ion ही मिलेंगे. तो वो सारे हाइड्रोजन के सब्सटेंसेस आइदर अलोंग विद कार्बन और डज नॉट अलोंग विद कार्बन पानी में मिक्स होने के बाद टूटने पे H plus ion दे देंगे, तो वो सबके सब एसिड होंगे, और अगर नहीं देंगे तो वो एसिड नहीं होंगे. यानी कि यहां आया कि कुछ ऐसे भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, कंपाउंड्स हैं, जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन तो रखते हैं लेकिन H plus ion नहीं रखते, इसीलिए उनको एसिड कंसिडर नहीं किया जाता. वो अभी हम देखते हैं. H2SO4 टूटेगा, 2H plus ion देगा, SO4 minus ions देगा. ऐसे ही नाइट्रिक एसिड HNO3, H plus ion, NO3 minus ion. ठीक है, ऐसे ही एसिटिक एसिड होगा CH3COOH, तो CH3COO minus H plus ion. ठीक है, देखिए नोट, ऑल कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन, जो सारे कंपाउंड जो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, डू नॉट टर्न्स और शो एसिडिक करेक्टर जब उनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है. क्यों? क्योंकि जब वो पानी में डिसॉल्व होते हैं वो हाइड्रोजन आयोनाइज नहीं करते, H plus ion नहीं देते, इसीलिए वो क्या नहीं बनते, एसिड नहीं बनते. सबसे अच्छा एग्जांपल है ग्लूकोज C6H12O6, 6-12 हाइड्रोजन 6 कार्बन है, लेकिन जब पानी में डालोगे तो ये हाइड्रोजन टूट के H plus ion नहीं देगा, और जब ये हाइड्रोजन टूट के H plus ion नहीं देगा तो इसका मतलब ये एसिड बना ही नहीं, क्योंकि इसमें तो H plus ion है ही नहीं. तो एसिड का सिर्फ एक मतलब समझना, H plus ion, जितने ज्यादा H plus उतना ज्यादा एसिड, जितने कम H plus उतना ही कम एसिडिक करेक्टर. ठीक है, अल्कोहल सिमिलर एक और एग्जांपल है C2H5OH, इसको भी अगर पानी में डालोगे तो H plus ion नहीं डिसोसिएट होते, आयोनाइज नहीं होते, इसीलिए हम लोग इनको एसिड नहीं बोलते. अब टेस्ट कैसे करोगे, अब टेस्ट कैसे करोगे कि एसिड है या नहीं है, क्योंकि हमें एसिड की एक प्रॉपर्टी पता है, दैट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. और क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि इसके पास तो H plus ion फोकट फ्री रखा हुआ है, और हमें पता है जब भी आयंस या चार्जेस फ्री होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी आई, पकड़ा, लेके चले गए और कंडक्शन होना चालू हो गया. तो इसका मतलब अगर किसी सॉल्यूशन को मैं पानी में डालूं और इलेक्ट्रिसिटी पास करूं और अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब उस सॉल्यूशन ने टूटने पर H plus ion या फ्री आयन H plus नहीं दिया, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर रहा. ठीक है, देखिए, ऑल द कंपाउंड्स विच आर एसिडिक इन नेचर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H plus ions विच आर फ्री चार्जेस. इसका मतलब ग्लूकोज और अल्कोहल ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, दैट इज वाई दे आर नॉट जनरली कंसिडर्ड एज एसिड, इसीलिए उनको एसिड नहीं कहा जाता. तो एसिड के लिए ये एक टेस्ट भी है, हम रिमेंबर कर सकते हैं कि ये एक टेस्ट भी है एसिड के लिए कि भैया एसिड है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. ठीक है, देखिए हम लोग डिस्टिल्ड वाटर देखते हैं, जो डिस्टिल्ड वाटर है वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता क्योंकि उस डिस्टिल्ड वाटर के पास कुछ भी फ्री आयंस नहीं होते. लेकिन हम ये देखते हैं कि जो रेन वाटर है इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, कारण क्या होता है अब वो समझिए. ठीक है, ये आपके क्वेश्चन भी आ सकता है कि why distilled water does not conduct electricity whereas rain water conducts. ठीक है, why instead of having an hydrogen with glucose and alcohol both they does not show acidic character, they does not conduct electricity, क्यों? रीजन बताया अभी मैंने.
अब मैं डिस्टिल्ड वाटर का बताता हूं, ठीक है। जो रेन वाटर है वो रेन वाटर आ रही है, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आई और उसके वाटर के साथ एच आयन के साथ जुड़ गई, और उसने उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ने जुड़ के कार्बोनिक एसिड बना दिया, दैट इज H2CO3। और जैसे ही H2CO3 डिसोसिएट होगा H प्लस आयन देगा, CO3 माइनस आयन देगा, H प्लस मिल गया, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। दूसरी चीज, उसके पास और भी कुछ एसिडिक गैसेज होती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, विच हेल्प वॉटर और रेन वॉटर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो देखिए, डिस्टिल्ड वॉटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, जबकि रेन वॉटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड दैट इज H2CO3 एंड अदर एसिडिक गैसेज दैट इज SO2 एंड NO2। इनकी वजह से एक एसिड या एक रेन वॉटर या वॉटर ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग नेक्स्ट के ऊपर मूव करते हैं, दैट इज वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक एसिड को वीक और एक एसिड को स्ट्रॉन्ग बनाती है। सिंपली यहां से दिख रहा है, उसी डेफिनेशन का आंसर यही रखा है, जितने ज्यादा एच प्लस आयन उतना ज्यादा एसिडिक उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, जितने कम H प्लस आयन उतना कम एसिडिक उतना ही वीक एसिड। तो इट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन विच मेक्स अ सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड और इट मेक्स अ सोल्यूशन वीक एसिड। चलिए देखिए, पहले हम लोग एक चीज समझते हैं, उसके बाद हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस के ऊपर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स के ऊपर जाएंगे। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जितने भी एसिड्स हैं, अगर हम लोग उनको बिना पानी के डिसोसिएट करें तो वो कभी भी H प्लस आयन हमें नहीं देंगे। दिस इज अफेक्टिंग कि जो एसिड हैं बिना वाटर की प्रेजेंस के, मतलब अगर देयर इज एब्सेंस ऑफ वाटर देन देयर डिसोसिएशन इज इम्पॉसिबल। एंड द सेकेंड थिंग, ठीक है, इफ इट इज पॉसिबल दे वोंट गिव H प्लस आयन, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ वॉटर, ठीक है, एसिड डज नॉट गिव्स H प्लस आयन्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि अगर पानी नहीं होगा तो एसिड अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, H प्लस आयन्स भी नहीं देंगे, ठीक है। इसके लिए बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, ठीक है ना, हम लोगों ने एक क्या लिया, बहुत सिंपल है कि हम लोगों ने एक ड्राई लिटमस पेपर लिया, ब्लू लिटमस पेपर लिया, ठीक है। हमें जनरली पता है कि अगर ब्लू लिटमस पेपर एसिड के कॉन्टेक्ट में आएगा देन इट विल टर्न टू रेड लिटमस पेपर। तो हम लोगों ने क्या किया, एक ब्लू लिटमस पेपर लिया, ठीक है, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर जिसके अंदर वाटर की प्रेजेंस बिल्कुल जीरो है, ठीक है। जैसे वो एसिड के कॉन्टेक्ट में आया, हमने देखा कि उसने अपना कलर चेंज नहीं किया। इसका मतलब कि एब्सेंस ऑफ वाटर में एसिड ने अपना एक्शन परफॉर्म नहीं किया, मतलब उसने H प्लस आयन्स दिए ही नहीं, क्योंकि अगर H प्लस आयन्स देता तो वो एसिड बेस के अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता, कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। तो इसका मतलब कि एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, इसका मतलब अगर पानी नहीं है तो एसिड अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। सिमिलर एक्टिविटी हम लोगों ने मॉइस्ट मतलब थोड़े से वेट लिटमस पेपर के साथ करीब ब्लू लिटमस पेपर के साथ, और हमने देखा कि जैसे ही एक एसिड सब्सटेंस उसके कांटेक्ट में आया, दैट लिटमस पेपर सडनली चेंजेस टू रेड। तो इट मींस कि अगर पानी नहीं होगा तो एसिड अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। आप स्ट्रॉन्ग से मतलब एक ही चीज समझो, कितने एच प्लस आयन्स दिए, मतलब आयोनाइज कितना हुआ। अगर पार्शियली आयोनाइज होगा, मतलब प्रॉपर आयोनाइजेशन नहीं हुआ, तो वह स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, और अगर वो बहुत अच्छे से आयोनाइज हुआ है, इट मींस के वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। आप स्ट्रॉन्ग और भी कंसेंट्रेशन से नहीं समझना, इट डजेंट मीन के उस पानी के अंदर एसिड की कंसेंट्रेशन कितनी है, नो, इट मींस कि कितना वाटर के साथ लेने के बाद वो पर्टिकुलर एसिड आयोनाइज होके H प्लस आयन्स दिए हैं। जितने ज्यादा H प्लस आयन्स देगा, जितना ज्यादा आयोनाइज होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका मतलब अगर 10 आयोनाइज दिए हैं, 10 H प्लस आयन्स दिए हैं, स्ट्रॉन्ग है।
पांच एच प्लस आइंस दिए तो वीक है. तो इसका मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन. ठीक है, तो मतलब जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ या जितना ज्यादा आयोनाइजेशन उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ, जितना कम आयोनाइजेशन उतनी कम स्ट्रेंथ. ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग पढ़ते हैं. स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत अच्छा, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी एसिड्स की. इसका मतलब कि उसके अंदर जो आयोनाइज होगा वो कंप्लीटली आयोनाइज होगा, बहुत सारे एच प्लस आयन्स हम लोगों को टूटने के बाद मिलने वाले. ठीक है, एन एसिड विच इज कंप्लीटली आयोनाइज, पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाए वॉटर के अंदर एंड प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एच प्लस आयन्स, बहुत सारे एच प्लस आयन्स को जनरेट करे, इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड. फॉर एग्जाम्पल HCl. अब देखिए रिएक्शन जो है एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है. मतलब क्या हुआ कि एच कंप्लीटली पूरी तरीके से टूट गया है और उसने मतलब HCl कंप्लीट पूरी तरीके से टूट गया और उसने एच प्लस आयन्स दिए और दूसरी तरफ उसने Cl माइनस आयन्स दिए. ठीक है, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, कितने ज्यादा एच प्लस आयन, कितना ज्यादा आयोनाइज हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, पार्शियल हो रहा है. इट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड. ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड. ठीक है, अब देखिए जितने ज्यादा एच प्लस आयन फ्री है उतना ज्यादा रिएक्टिव. तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव, नंबर वन थिंग विद मेटल्स, मेटल कार्बोनेट्स. ठीक है ना, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मेटल ऑक्साइड्स, इन सबसे बहुत अच्छे से रिएक्शन करते हैं. और देखिए बहुत अच्छी बात, अभी तक हमने जितनी रिएक्शन पढ़ी वीडियो नंबर 26 में, हमने सब जगह HCl H2SO4 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड लिया, हम लोगों ने कार्बोनिक एसिड नहीं लिया H2CO3, सल्फ्यूरस एसिड नहीं लिया. ठीक है, राइट, H2SO3 ये चीजें नहीं ली. क्यों? क्योंकि ये वीक एसिड है और अगर वीक है तो बहुत धीरे रिएक्ट करेगा और बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करेगा. तो इसीलिए जनरली जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव विद द अदर सब्सटेंसेस, मेटल्स, मेटल कार्बोनेट्स एटसेट्रा. एंड जब एच प्लस आयन बहुत सारे हैं तो इसका मतलब फ्री चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन भी इनका क्या होगा, बहुत ज्यादा अच्छा होगा. ठीक है, राइट, ओके. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वीक एसिड्स. वीक एसिड्स का मतलब इसका उल्टा, जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो, पार्शियली आयोनाइज होके थोड़े बहुत एच प्लस आयन्स दे दे, दैट इज नोन एज वीक एसिड. देखिए यहां पर रिएक्शन में दोनों तरफ साइड है, टू वे रिएक्शन है, इधर भी प्रोसीड है इधर भी प्रोसीड है. इट मीन्स कि यहां पर जो H3COO- और H+ आयन बना है, दिस इज पार्शियल ब्रेकडाउन, कुछ समय के लिए ब्रेकडाउन हुआ है, वापस से रिएक्शन इस डायरेक्शन में प्रोसीड होके एसिटिक एसिड वापस से बन सकता है. इसीलिए ये जो ब्रेकडाउन है दिस इज पार्शियल ब्रेकडाउन. तो पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ है तो कम एच प्लस आयन्स देगा और कम एच प्लस आयन्स देगा तो इसकी कंसेंट्रेशन, इसकी स्ट्रेंथ जो हो गई वो बहुत कम हो गई. दैट इज वाई दे आर कंसिडर्ड एज वीक एसिड. फॉर एग्जाम्पल कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, तो H2CO3, H2SO3, दिस इज द ओनली मिनरल एसिड विच इज वीक एसिड, अदरवाइज बाकी सारे मिनरल एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स. ठीक है, अब देखिए यहां पर H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन पहले ही कम है. ठीक है, अब अगर मैं इसके अंदर और पानी ऐड कर दूं तो ओवरऑल जो कंसेंट्रेशन है H की आयन्स की वो और रिड्यूस हो जाएगी. मतलब वीक एसिड में अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज कर दो वाटर का तो उसके अंदर और भी ज्यादा वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा. ठीक है, राइट, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा H प्लस आयन्स, वीक एसिड कम H प्लस आयन्स, राइट. इसको हम लोग पीएच स्केल पे भी पढ़ेंगे, राइट, बट वो बेसिस और सॉल्व करने के बाद हम लोग पीएच पे जाएंगे. तो देखो गाइस, ये हुआ हम लोगों का क्या, एसिड्स खत्म. एसिड्स के बहुत सारे यूजेस है, बहुत सारी प्रिपरेशंस के अंदर काम में आता है, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने के भी काम में आता है. ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम लोग बेस के ऊपर. जो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे सारी की सारी बेस की, एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल प्रोसीड विद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिक्स. तो चलिए, ये सबसे पहली चीज हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी, और अभी तक हम एसिड में पढ़ते हुए आए सारे के सारे रिएक्शंस के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर, कि बेसिक ऑक्साइड है, बेसिक है, बेस है, और बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है. तो बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो
एसिड के सारे इफेक्ट को नलिफाई कर रहा है, एसिड के सारे एक्शन को खत्म कर रहा है, पूरे के पूरे एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, वो चीज बेस कहलाएगी। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एन एसिड इज नोन एज बेस। तो वो केमिकल सब्सटेंस जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ठीक है, बहुत जनरल से एग्जांपल्स हैं, जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स हैं राइट दे ऑल आर बेसिक इन नेचर। मेटल के हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड ठीक है जिसको हम लाइम बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम बोलते हैं ठीक है राइट। नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सब की सब ठीक है क्या है, बेसिस है, यानी कि बेस वो सब्सटेंस है जो एसिड के इफेक्ट को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है, वो केमिकल सब्सटेंस बेस कहलाता है। प्लस जब हमने एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ी केमिकल, उसमें ये पता चला कि मेटल के जितने भी कार्बोनेट्स हैं, मेटल के जितने भी हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, वो जब एसिड के साथ जुड़ते हैं तो वो एक बेस की तरह बिहेव करते हैं। तो यानी कि मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, वो सबके सब किसका पार्ट है, बेस है ठीक है, उनका जो नेचर है बेसिक है। अब देखो बात आती है कि यार ऐसा बेस के पास क्या है, ऐसा बेस के पास क्या है या ऐसा सब्सटेंस के पास क्या है, देख के बेस बोल देते हैं, रिएक्शन करते समय बेसिक नेचर हो जाता है, वैसे तो कभी नहीं पता चलता। जैसा एसिड के पास H+ आयन्स हैं, सिमिलरली उसी मैनर में जब हम लोग बेस को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वो डिसोसिएट होके आयोनाइज होके हमें OH- आयन्स देता है, और वही OH- आयन्स बताते हैं दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज बेस ठीक है। तो यानी कि ऐसा क्या है, व्हाट मेक्स अ सब्सटेंस बेस, तो जब हम किसी सब्सटेंस को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स बनाएगा, दैट इज OH- आयन्स जब वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं। तो मतलब बेस वो सब्सटेंस है जो पानी के साथ मिक्स होने पे OH- दे रहा है, और एसिड वो सब्सटेंस है जो वाटर के साथ मिक्स होने पे H+ आयन्स दे रहा है। यहां पे एक जनरल एग्जांपल लिखा हुआ है, NaOH सॉलिड स्टेट है, वाटर के साथ ऐड किया ठीक है, हम लोगों को क्या मिल रहा है, सोडियम प्लस एक्वस सॉल्यूशन एंड OH-। तो जैसे ही OH- दिखा दैट मींस इट इज बेसिक इन नेचर ठीक है राइट। अच्छा एक चीज देखिए, जब हम पानी को तोड़ते हैं ठीक है ना, मैं रिएक्शन लिख रहा हूं H2O H+ OH-, यानी कि एसिड और बेस दोनों ही हैं और दोनों मिक्स हो रहे हैं तो न्यूट्रल सब्सटेंस बनेगा। इसीलिए जो वाटर होता है इट इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस, इसीलिए पानी न्यूट्रल होता है क्योंकि इसने H+ आयन भी ले लिया है और एक OH- आयन भी ले लिया ठीक है। तो इसी की वजह से वाटर क्या होता है, हमेशा न्यूट्रल सब्सटेंस होता है ठीक है राइट। तो नेक्स्ट आता है हम लोगों का दैट इज अब देखो जब OH- आयन दे रहा है इट मींस कि इसमें भी स्ट्रॉन्ग और वीक होगा ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वो होगा जिसके अंदर OH- आयन के ज्यादा बहुत ज्यादा पार्टिकल्स ठीक है, जहां पर बहुत सारे OH- आयन जनरेट होंगे वाटर के साथ मिक्स करने पे, वो सारे के सारे बेसिस क्या कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस ठीक है। एक और है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज आल्सो अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल ठीक है। अब सेकेंड आता है वीक बेसिस ठीक है, वो सारे बेसिस वो सारे सब्सटेंसेस जिनको हम वाटर में मिक्स करें आयोनाइज हो डिसॉल्व हो और हमें पार्शियली OH- आयन्स दें और वो भी कम अमाउंट के अंदर ठीक है, कम अमाउंट के अंदर पार्शियली OH- आयन्स देंगे, उन सारे बेसिस को उन सारे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, वीक बेसिस। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ठीक है, एक चीज और लिख लीजिए दैट इज ऑल्सो मैग्नीशियम हाइड्रोऑक्साइड, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वीक बेसिस। इसका मतलब अगेन
तो इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रेंथ वापस से किस पे डिपेंड कर रही है, यहां पे आयोनाइजेशन के ऊपर। तो स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आयोनाइजेशन ऑफ OH माइनस आयन, बट इन केस ऑफ एसिड दे टोटली डिपेंड ऑन H प्लस आयन। ठीक है, राइट। तो ये हुआ हमारा बेस का बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके बाद हम जनरली देखते हैं जो बेस है ना वो जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, पानी के अंदर मिक्स नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसे भी बेसिक सब्सटेंसेस हैं जो पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। कुछ ऐसे हैं जो मिक्स होते हैं विद केमिकल रिएक्शंस, कुछ ऐसे हैं जो पानी के अंदर मिक्स होते हैं बिना किसी केमिकल रिएक्शन को करे, अपने नेचुरल स्टेट में रहते हैं लेकिन पानी में मिक्स हो जाते हैं। उन सारे बेसिस को हम लोग क्या कहेंगे, एल्केलीज। ठीक है, तो दीज आर दोज बेसिस विच डिजॉल्व इन वॉटर विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, दे आर नोन एज एल्केलीज। एल्केलीज आर जनरली वॉटर सॉल्यूबल बेसिस, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज स्लेट लाइन। ठीक है, राइट। तो अब देखिए यहां पर OH माइनस आयन आ रहा है, इसका मतलब इसके पास भी फ्री चार्ज है। तो जैसे ही बेस वाटर के साथ मिक्स होगा इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, OH माइनस आयन प्रेजेंट है, राइट। तो अब हम लोग बेसिस को अगर शॉर्ट में देखें, ठीक है, तो बेस एक वो सब्सटेंस है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है। नंबर वन, दे आर बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं, सोपी टू टच। ठीक है, सोप जैसे हमने साबुन देखा, आप साबुन को टच करो ऊपर से, नया साबुन लीजिए उसको टच करिए, बिल्कुल स्लिपरी होता है। ठीक है, दैट इज स्लिपरी। चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू, मिथाइल ऑरेंज को येलो में चेंज करता है, फिनोफ्थेलिन के साथ बीबी पिंक, लाइट पिंक कलर दिखाता है। ठीक है, दे आर केमिकली अपोजिट टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तभी तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन, सो दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, राइट। सो फ्रेंड्स, ये हुआ हम लोगों का बेस का बेसिक, पूरा का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर, किस तरीके से बेस बनता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, ये यहां पे हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज ये रही बेसिस की सारी। अब नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, एंड कीप ऑन शेयरिंग लिटिल स्कॉलर्स।